विक्की की कोई ऐसी आदत है जो आपको लगता है कि शादी के बाद इनको बदल लेनी चाहिए? आई थिंक ये जवाब मैं नहीं दे सकता अब. हैं? क्यों? अरे मैं थोड़ी ना रह रहा हूँ तेरे साथ शादी के बाद. हाँ पर अच्छा सनी का कोई ऐसा वाक्य है जिसका घर में बड़ा मजाक बनता है चाहे बचपन का हो जाए कोई भी हो? बचपन में ना हम चौल में रहा करते थे. वहां से पापा की आदत थी सुबह जाके सामने वाले दुकान से ब्रेड लेके आना. अच्छा. और इससे बड़ा ये होता था कि मैं पापा के साथ जाऊंगा. छोटा सा ही था. कई बार होता था कि पापा आगे जा रहे फिर आए पीछे देखा सनी नहीं है गायब. गटर में मिलता था. क्यों? पता नहीं क्या शौक है गटर में गिर जाता था. मुझे इतनी मेमोरी है इसकी. इतना सा होता था जब बाहर ना घर के बाहर बाल्टी भर भर के इस पे पानी डाला जाता था कि गटर में काला बिल्कुल एकदम. ब्रेड लेने गए थे वो गटर से बच्चा लेके आ गया. हाँ इसकी पता नहीं क्या आदत थी. चार लोग बचाने आ रहे कि गटर में गिरा हुआ बच्चे की नजर आसमान में थी शुरू से. अरे गटर से क्या कमल खिला है. वाह 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 वाह. विक्की की कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये आज भी एम्बैरेस फील करते हैं चाहे बचपन की हो स्कूल कॉलेज की? ये इसको ना बचपन में नींद में बोलने की आदत थी. अच्छा. हाँ और नींद में एक होता है कि बोलते हैं लोग ये परफॉर्मेंस देता था नींद में. मतलब बॉर्न एक्टर. हाँ बॉर्न. मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता था कि ये जाग गया है कि ये सो रहा है. एक दिन ना एक मुझे याद है मैं रात को सोने जा रहा हूँ ये मुझसे तो आधा पौना घंटा पहले सो गया तो ये गहरी नींद में जा चुका और मैं सोने जा रहा हूँ और हम रूम शेयर किया करते थे तो अचानक से इसने ऐसे उठाए और ऐसे चद्दर फल्टी और कह रहा है चेक करना. मैं क्या है कहता है पेपर कंप्लीट हो गया है चेक कर ले. और मैं आंखें खोल के मेरा पेपर कंप्लीट हो गया चेक कर ले. और तब तक मुझे समझ में आ गया कि इसको ना यू कांट जोल्ट हिम आउट ऑफ इट नहीं तो ये थोड़ा सा बौखला जाएगा तो इसके साथ कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती थी. अच्छा. तो मैं बैठ के कर रहा हूँ. मैंने कहा हाँ चेक कर लिया बहुत बढ़िया भाई तूने 100 में से 100 कर लिया सो जा. तो जाकर ये सो जा. एक बार मम्मी के साथ भी हुआ था. अच्छा. सो रहा था उठा मैं क्या पर्स ले गया. अरे मैं भी था तभी वहां पे. हाँ. और मम्मी को इतना पता नहीं था ये वाला किस्सा तो मम्मी कौन.